हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और बिल्कुल मैं भी सो के आया हूँ, छत पे आया हूँ सीधा नीचे से, बिकॉज अभी सभी सो रहे हैं यार। थक गए हैं ना बहुत ही ज़्यादा, वहाँ से आने में यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा थक गए, बिकॉज इसलिए सभी लोग अभी तक सो रहे हैं। मैं ही उठाऊँ, ब्रश भी लेके आ चुका हूँ छत पे, और आज मौसम देख लो हमारे गाँव का कितना बेकार हो रहा है। बारिश ज़रूर पड़ेगी यार जैसे मौसम हुआ है ना, क्योंकि इस समय तक ना सन दिख जाता है, बट अभी तक सन नहीं आया है। देखो व्यू, घर के पीछे का व्यू देखो भाई, अभी तो पूरा गांव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, फिर देखने क्या मजा आएगा। गाइस ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी, रोटी, बिस्कुट और चाय गरम कर रहा हूँ अभी। तो गाइस मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया है, और यार मैंने ना अपने सारे पुराने दोस्त जो जो गांव में है ना सबके पास फ़ोन किया, कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। जिस जिस के पास फ़ोन कर रहा हूँ वो कोई कह रहा है चेन्नई हूँ, कोई कह रहा है मुंबई हूँ, कोई कह रहा है कहीं हूँ, यार सभी काम से चले गए। और एक गांव में हमारे असरार भाई थे, वो भी यार उसके भी बोर्ड का पेपर है इस बार, वो भी बगहा बोर्ड देने चले गए। अब चलते हैं सीधा उनके एक छोटे भाई हैं जो कि मेरे चाचा हैं, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग में दिखाया होगा, उनके पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं। और आपको मैं अपने 2 करोड़ का वो हवेली भी दिखाऊंगा यार, इतना बढ़िया। उसमें गर्मी में बहुत मज़ा आता है, इस समय ठंड में तो ठंड लगती है उस घर में, बट गर्मी में यार क्या सुकून देता है वो घर। तो चलते हैं। देखो यार गांव में सारे बच्चे गायब है, कोई भी बच्चे नहीं है। और ये रही हमारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, और ये हैं असरार भाई के हमारे चचा। क्या हाल चाल है? गन्ने खा रहे हैं यार ये, हाथ तो मिलाओ यार, इतने दिनों के बाद मिलो, हाथ भी नहीं मिला रहे। ये गन्ना खा रहे हैं यार, गन्ना से दिखाता हूँ अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये देखो बकरी को चचा ने क्या पहना रखा है यार बकरे को, अरे ये देखो स्वेटर। और ये देखो यार क्या लग रहा है भाई, सलमान खान तो यहीं आ गया। तो गाइस ये रही, ये गाय के लिए छठी काटना कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं इसे? छठी काटना क्या कहते हैं यार, इतना तो नहीं पता मुझे भी, बट आप लोग यहाँ इस मशीन को क्या कहते हैं आप जरूर बताना। और ये रही हमारी पूरी बेस्तर, रात को यहीं पे सोएंगे यार मजे से। अपने गांव में तो कोई भी नहीं है, मैं इम्तियाज भी यही कह रहा था यार, गांव में तो कोई नहीं है, इसलिए 2-3 दिन के लिए चल रहे हैं मामू के यहाँ। और मैं वहाँ पे अगर हम वहाँ जाते हैं तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरा फर्स्ट स्कूल भी है, और वहाँ पे मैंने 10 साल गुजारे हैं यार, वहाँ से वहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छे खासे दोस्त थे। बज रहे हैं 10 और मस्त सारे लेबर जो भी हमारे घर में काम कर रहे हैं ना वो सभी लोग आ गए हैं। हमारे घर में काम भी चल रहा है, क्योंकि इधर के साइड तो पहले से सब बन चुका था, जो इधर के साइड थोड़ी सी जमीन बची थी ना उसी में 2 पुराने बहुत ही पुराने घर थे उसको तोड़ के, और दादा फिर उसमें 2 कमरे और बनवा रहे हैं। देखो ये बन रहा है, 2 कमरा और बनना है इधर, ये पूरा बाथरूम है। ये यार हमारे यहाँ कल है यार, पानी चलाओ पियो, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करो। और आधा घंटा ना बोर होने के बाद मैंने बहुत लोगों के पास फ़ोन किया, बहुत ही दोस्तों के पास फ़ोन किया, बट कोई नहीं था यार गांव में, बस एक चाचा आए हैं जो कि उनका गोलू नाम है, और वो भी उनके घर में कोई नहीं है ना इसलिए वो भी बाहर नहीं आ रहे, बट उनके पास चलते हैं, थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर उनसे बोलूँगा यार गाँव तो घुमाओ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हो ना, फिर उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा गांव। तो अभी चलते हैं सीधा गोलू चाचा के पास फिर उन। तो गाइस गोलू चाचा से बात करने के बाद फाइनली हम मान गए कि हाँ चलने गए घूमने उमने। तो ये रहे हमारे गोलू चाचा यार, बस पूरे गाँव में हमारे दोस्त बस एक यही बचे हैं, सब जिस जिसके बोर्ड हैं वो सब बोर्ड पेपर देने गए हैं, और कुछ बच्चे हैं वो सब बेतिया में, गांव में कोई नहीं है यार, और कोई है ही नहीं, बस यही बचे थे। और इनके घर पे जो भी थे ना वो शादी में गए। हाँ शादी में ही गए हैं, बस यही घर की रखवाली के लिए बैठे हैं घर में यार, इसलिए इनकी गाड़ी से हम आए हैं घूमने, और आपको मैं दिखाता हूँ अपना गाँव यार। गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बाजार, यही छोटा सा बाजार है यार हमारे गाँव का। कब कब बाजार लगता है यहाँ पे? मंगल और शनि, सैटरडे। गाइस चारों तरफ से हरियाली है, और बीच में हमारे गांव का स्कूल है यार, सोचो बच्चों को कितना मजा आता होगा ना पढ़ने में। गोल मारना है तो स्कूल से निकलो और खेतों में घुस जाओ भाई, ये है स्कूल। गाइस ये रहा हमारा प्लॉट, ये हमारा ये पूरा यहां से वहां तक, ये ऐसी जगह है ना गाइस आप देख के परेशान हो जाओगे। देखो एक इधर से रोड है, एक इधर से रोड है, और एक इधर से रोड है, और एक दादा ने रुकने के लिए बना रखा है कि कोई भी आए ना उनके लिए बना रखा है यार, जैसे अभी बारिश पड़ेगी कोई भी आदमी इधर उधर होगा वो इसमें आगे रुक सकता है, ऐसे बना रखा है पूरा। और यहाँ पे कल भी है पानी होने के लिए, देखो अभी भी कोई बैठा ही है यार यहाँ पे, देखो कल भी बना रखा है। लोग
को ना बस हमारे गांव में बांस ही दिखेगा, बिकॉज यार यहां पे जो भी लोग हैं ना सब इसी से घर बनाते हैं ना, इसलिए सब अपने अपने खेत में ये बांस लगाते हैं यार भर भर के। दूर दूर तक आपको देखने को बस बांस ही मिलेगी यार। और गाइज अभी ना हम अपने गाँव से कम 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। चाचा के ट्यूशन में ना सरस्वती पूजा रखा है, तो इनको वहाँ पे इनवाइट किया है, तो मुझे तो किया ही नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे साइड कैसा होता है पूजा या कुछ भी हो वहाँ पे जो भी हो रहा होगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए चाचा अपने ट्यूशन में भी ले जा रहे हैं कि चलो वहाँ पे दिखाता हूँ। आज तक मैं कभी भी नहीं गया हूँ, आज पहली फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ये सब देखने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं अभी। गाइज ये जो सारे बच्चे आ रहे हैं ना ये सब लोग वहीं पे जा रहे हैं पूजा में ही, देखो अपने अपने स्कूल में। भाई सब कितने आ रहे हैं यार ये लोग, ये सब अपने अपने स्कूल में ही जा रहे हैं भाई। देखो गाइज हर एक स्कूल में आपको मिलेगा ऐसी स्कूल ट्यूशन हर जगह पे मिलेगा आपको, सर्वशक्ति पूजा मिलेगा। गाइज ये देखो यार खाली गन्ने ही गन्ने, भाई ये जो सारे आपने गन्ने देखे ना ये सब यहाँ पे जगह जगह से हर एक खेत में से ला रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं बुक ट्रकों में, और ये जाएगा बगहा शुगर फैक्ट्री में, वहाँ पे फिर इससे चीनी होनी बनेगी। भाई फाइनली उस गांव में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारे चाचा की ना ट्यूशन है, और यहाँ पे बहुत ही लोग खड़े भी हैं यार। तो भाई यही है वो प्लेस जहाँ पे ये ट्यूशन पढ़ने आते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है अभी तो ज़्यादा। याद है एंट्री पॉइंट, कितनी भीड़ है यार देख रहे हो बच्चों को। गाइस ये रख रखी है मूर्ति, क्या हुआ सर है? और भाई क्या हाल है? ठीक है सर जी, कहाँ है सर जी? सर जी गए दूसरे क्वेश्चन में। तो गाइस यार चाचा के ना सर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो गाइस हमें मिला है ये खाने के लिए कुछ, इतना बस फल है यार, एक इसको मिला है एक मुझे, देख लो यार केले हैं सेब है और मिठाई भी है भाई। तो गाइस वहाँ से हम प्रसाद लेके आ तो गए हैं, बट हम नौलपुर नहीं गए क्योंकि उसके सर के जो एक लड़का था ना उस भाई ने सर के पास फ़ोन किया था, तो सर कह रहे भाई मत आओ यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बेतिया जा रहा हूँ किसी काम से, और शाम को ना जो मूर्ति रख रखी थी ना इन्होंने वो मूर्ति को दफना देंगे है ना पानी में डाल देंगे। शाम में नहीं सुबह, कल सुबह। हाँ कल सुबह डाल देंगे, इसलिए वो किसी काम से ना सर बेतिया चले गए यार, इसलिए हम नहीं गए, सीधा जा रहे हैं घर। तो गाइस गोलू चाचा के घर पे पहुंच तो चुके हैं भाई, यार यहाँ पे आपको नेचुरल दिखाऊं मैं कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे फीलिंग्स होने का, ये देखो भाई इनके घर में स्पैरो है यार, चिड़िया हैं, और इनकी आवाज़ें सुनो यार कितनी प्यारी लग रही है घर में यार चिड़िया। तो गाइस मैं 2 बजे खाना खा के मस्त सो गया था, अभी बज रहे हैं 4:20, और गाइस यहाँ पे अंधेरा हो गया यार, मैंने सोचा था 2 घंटे आराम से सोते हैं फिर उसके बाद चलेंगे गाँव में घूमने, बट यार यहाँ पे तो अंधेरा हो गया यार, ये देखो अंधेरा हो गया यार पूरे शहर में, दूर तक अंधेरा हो गया है। गाइस ये सब लोग आग सेक रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया यार, लाइटें जलानी पड़ रही है अभी से ही हो गया यार, देखो सब मज़े में आग बैठे हैं यार, यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जा रहा है, क्या बात गोलूचा, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि यार गांव इलाका है ना, ये गांव का इलाका है ना, यहाँ पे हरियाली बहुत ही ज़्यादा है इसलिए अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। दादा दादी में लड़ाई हो गई है गाइस, इसको जला दिया यार, दादा को जला दिया। अभी आए हैं गोलू चाचा के घर पे क्योंकि उनको ना भैंस से दूध निकालनी है यार, और वो अभी बैठ गए हैं दूध निकालने के लिए, ये देखो ये दूध निकाल रहा है, अबे जब तक दूध ही गायब कर। तो गाइस गोलू चाचा ने इतना दूध निकाला है, 2 किलो होंगे, 2 किलो 3 किलो बता रहे हैं यार, दे ही देती भैंस इनकी 2 किलो बता, बढ़िया से भैंस के लिए पूरा बिस्तर लगा रहे हैं यार, देख रहे हो बहुत मेहनत है यार फार्मिंग में, किसान लोगों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो गाइस पूरी तरह से भैंस को पैक करके बांध के थोड़ा बहुत उसके लिए खाने के लिए पूरा डाल रखा है, हो गया और कोई काम? कुछ नहीं हो गया। तो गाइस पूरी तरह से भैंस को पैक कर दिया है, अब चलते हैं सीधा घर दूध लेके। तो गाइस आज है खाने में आलू की सब्जी और रोटी। तो गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है और फाइनली दादी ने बिस्तर भी लगा दिया है पूरा,
तो चलो फिर सोते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप करता हूँ कि आप सभी को इस ब्लॉग में मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।